नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में ये जानने की कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारी टीम पहुंची अजमल खाप पार्क में, जहां हमने वहां के क्षेत्रवासियों से पूछा क्या क्या विधायक ने 5 साल किया, आए आपके क्षेत्र में किया कुछ काम या हो गए हैं फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट मॉर्निंग वॉक के साथ। जी हां दोस्तों, आज हमारी टीम मॉर्निंग वॉक करते हुए लोगों से बात करने पहुंची थी और उन्हीं से पूछे थे कुछ सवाल, तो आज बात करते हैं क्षेत्रवासियों से। जी क्या नाम है आपका? महेंद्र दत्त शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मानकपुरा। तो दिल्ली में चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे आप? तो बिल्कुल जी, अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। आपकी राय क्या है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल ने गरीब आदमियों के लिए बिजली, पानी, खरंजा, नाली और ये कच्ची कॉलोनियों के कब्जा आवाज उठा रहा है, ये सेंट्रल में बैठे होने नहीं दे रहे थे। सेंटर नहीं किया मगर? नहीं, ये तो नाम से जब वो बीड़ा उसने उठाया तो सेंटर वाले बाबू ले रहे। पहले से क्यों नहीं, एक बात बताओ, 6 साल हो गए, पहले से क्यों नहीं किया इन्होंने, आप बताओ मेरे को। अरे ये शुरू से ही अड़ रहा है, ये कच्ची कॉलोनियों को जब से आया तभी से अड़ रहा है। तो फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को केजरीवाल को? केजरीवाल को मिलेगा फायदा। आपके इलाके से विधायक कौन है? आपके रवि है, कभी आते हैं इलाके में? हाँ लो, हम ऐसे जैसे हमारा आप बात कर रहे हैं, हम तो 2-4 गाली भी दे देते हैं अगर कोई काम ना करे, काम ना आए तो। काम करते नहीं मतलब? नहीं नहीं, अगर मान लो कोई काम उसकी नजर से उतर जाए हम तो काम क्यों नहीं हुआ। ओ, कल ही बोले बिल्कुल इसी तरह, वो कहता नहीं चाचा हो जाएगा, मैं चाचा नहीं बाबा के ऐसे बोलते हैं, और काम करता है। जहाँ हम औरों को अब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ ये काम करना है तो करता है संतुष्ट कामों से बिल्कुल। बल्कि कारपोरेशन का जो काम है ना, सीवर वाले नहीं आते, पैसे मांगते हैं और हमें उसे कहते हैं ना तो सालों को डंडा चढ़ा देता है वो। क्या बात है सर। केजरीवाल ने कि मैं आपके पार्क में घुसे मुझे 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में मैंने करीब 8 लोगों से बात करी और 8 में से 7 लोग मुझे कह रहे हैं केजरीवाल बनेगा और एक जो मिले वो हरियाणा के थे। मतलब यूँ ही कह रहा ना कि आप फैसिलिटी हर चीज़ की, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, बच्चों के लिए बिजली पानी, ये सब चीज़ें चाहिए आम आदमी को, बहुत सब चीज़ें दे रहा है, और क्या चाहिए उसको? थोड़ी चाहिए हवाई जहाज में घूमना, उसे थोड़ी चाहिए कि बड़े बड़े 5-स्टार में होटल खाना खाना, उसे नहीं चाहिए गरीब आदमी को, तो आम आदमी जो चाहिए वो चीज़ दे रहा है। करण सिंह। करण सिंह जी, आप मैं आप सब काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ यहाँ पे पार्क के अंदर, सब मुझे एक लाइन में बोल रहे केजरीवाल, मगर आपसे पूछूंगा केजरीवाल अगर आप चाहते हैं तो यस, तो क्यों चाहते हैं? नहीं, केजरीवाल ने काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करने से ही आदमी सबको चाहता है, ऐसे होते काम कराया है उन्होंने केजरीवाल जी ने। पूरा बायस हो जाएगा, वन साइड जा रहा है। नहीं, वन साइड तो जाएगा नहीं, जब जब काम करेंगे तो आदमी वे तो वन साइड होना ही चाहिए। सारे व्यूअर्स कहेंगे वन साइड प्रोग्राम कर दिया, बायस रहिए प्रोग्राम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, काम करने वाला को सारे केजरीवाल केजरीवाल क्यों कर रहे हैं फिर इतना? नहीं, केजरीवाल जी ने काम कराया इसलिए कह रहे हैं हम तो। हमको आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि जी। अभी आते हैं इलाके में? बिल्कुल आते हैं, हमारे तो फ्रेंड्स हैं। आपके दोस्त इसलिए कह रहे होंगे आप? नहीं नहीं, वैसे भी अच्छे लिंक अच्छे हैं हमारे, वैसे कोई ऐसी बात नहीं। क्या काम करा आपके क्षेत्र में? ये सारे काम करे उन्होंने, वैसे तो हॉस्पिटल वगैरह ये रैन बसरे वगैरह होते हैं सब, उनका ही उसका अच्छा था काम कराया उन्होंने, काम दिखता है उनका, ऐसी बात नहीं, पानी बिजली का सारा सब। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से हम देंगे 8 नंबर तो देंगे जी उन्हें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चुनाव आता है, वोट देते हैं? हाँ जी देते हैं। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल ही होना चाहिए, सही है केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए कि अस्पताल के अंदर सही अच्छा काम कर रहा है और बिजली के लिए भी अच्छा काम किया है। लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी आप कहाँ रहते हैं? बीडनपुरा। बीडनपुरा रहते हैं, चुनाव आ रहे हैं, वोट करेंगे? हाँ जी करेंगे। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल? बिजली के अंदर, पानी के अंदर और हॉस्पिटल की साफ सफाई और सुविधा, पूरी सुविधा दे रहे हैं वो। क्या सुविधा मिली आपको क्षेत्र में? हम जाते हैं कभी भी हॉस्पिटल में, दवाई मेडिसिन वगैरह सब फ्री मिलती है और हमारा ट्रीटमेंट भी सही करते हैं वो। आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। कभी आते हैं इलाके में? बिल्कुल आते हैं, पानी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, वृद्धों की पेंशन की समस्या हो, सारी समस्या हल करते हैं वो। काम कराते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल काम कराते हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से हम उनको 9 नंबर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पारसनाथ। पारसनाथ जी कहाँ रहते हैं? ये नेहरू नगर रहता हूँ मैं। नेहरू नगर रहते हैं, जखीरा। दिल्ली में चुनाव आता है, वोट देते हैं? हाँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल सही है, काम भी करता है और भारत का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। ये तो यार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी।
सही है, अलग अलग पार्टी से है। हाँ तो तभी तो मजा मर्ज करवा दे फिर, मतलब तभी तो सही है। तभी आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। कुछ काम करा है क्षेत्र में? हाँ काम किया है। क्या काम किया? काम क्या है, जो मतलब जो गलियों का सड़कें थे वो सब ठीक कर रहा है, और ये जो पानी उनी का भी इंतजाम कर रहा है वो। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ जी। सुबह रोज आता है? बिल्कुल रोज आता हूँ। डेली आते हैं? डेली। चुनाव में वोट भी करते हैं? बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल। ड्यूटी है? हाँ जी। नहीं सर, अपनी दुकान है सवा पे। नहीं, वोट करना ड्यूटी है? बिल्कुल बिल्कुल वोट देता हूँ सर। देखा वोट 100% नहीं होता? नहीं होता बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले सवाल पे आते हैं आपसे। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो सर केजरीवाल ही होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? सर देखो, उसने मोहल्ला क्लिनिक खोला, मतलब सिल्वर लाइन का काम अच्छा करवाया, बिजली का काम फ्री कर दिया, और उसने CCTV कैमरे भी लगवाए। कुछ मेरे हिसाब से केजरीवाल सही है। अच्छा, आपके इलाके से विधायक ने क्या काम किया 5 सालों में? मैं नाम करोलबाग में मैं भूल गया उसका नाम है, ये क्या नाम अपना ये है, विशेष रवि जी। विशेष रवि? हाँ विशेष रवि जी। काम कराया क्षेत्र में? काम करवाया सर। नींद नहीं खुली अभी? नहीं काम करवाया, नींद कैसे नहीं खुली सर। नाम भूल गए ना आप? ना वो नाम तो मैं भूल गया था, वो याद आ गया था। क्या काम कराया क्षेत्र में? काम तो बढ़िया करवाया, देखो सर आप देख लो, CCTV कैमरा लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, स्कूलों में बच्चों के लिए बढ़िया कराया उसने, मेरे हिसाब से सही है जी सर। क्षेत्र की समस्या होती है बिजली, सड़क, सीवर, पानी, उसमें क्या हालात है? उसमें ठीक ही है मेरे हिसाब से। देखो भाई साहब, कम से कम 70-75% काम अच्छा ही हुआ है। काम अच्छा हुआ है? हाँ, करोलबाग के क्षेत्र में तो काम अच्छा हुआ रहा है। कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में से मेरे हिसाब से भाई साहब 9 नंबर तो मान कर चलो। क्या बात है, दिवाली गिफ्ट बनता है मतलब इस बार? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है। मिलेगा इस बार दिवाली गिफ्ट? केजरीवाल को मिलेगा। केजरीवाल को? हाँ जी। थैंक यू अंकल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एलन गौतम। गौतम जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ करोलबाग में। चुनाव आता है, वोट भी करते होंगे फिर तो आप? क्या करते हैं वोट? विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और दिवाली कल ही परसों गई है, तो चुनावों में कौन सी पार्टी को दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं? अरे भाई क्या बताएं, अब पार्टी तो सारी ऐसी हैं, जिसको भी देख लो वही अपने। यहाँ पे तो केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं, कुछ लगता है केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के अंदर? कुछ काम करा है ये बात नहीं है, फिर भी ये है कि अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। आपके इलाके से विधायक कौन है? ये है क्या नाम है इनका, नाम ही भूल गया, नाम भूल गए। हाँ रवि जी, रवि जी अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा करा। क्या काम किया भाई? ठीक है, देखभाल कर रहे हैं, और क्या होता है, यही होता है गलियों की या इसकी जो भी है।